नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। Hi everyone, welcome back to another interesting video. तो यार बिहार के मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज में ये अपनी दूसरी वीडियो है एंड यहाँ पे वी आर कवरिंग JNMC भागलपुर मेडिकल कॉलेज यानी कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। So, यार इन दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो कितने नंबर पे आपको मिलेगा, कैसी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल रैंक क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या, सब कवर करने वाले हैं। यार हम कुछ छोड़ते नहीं है, तुम्हारा काम है बस सब्सक्राइब करते जाओ, इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते जाएंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है यार, अगर हम स्टार्ट करें इस मेडिकल कॉलेज की हाईलाइट से, तो ये मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था 1971 के अंदर। तो बहुत ही पुराना ये मेडिकल कॉलेज है एंड कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है। एफिलिएटेड है ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC से। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी ऑफर्ड कोर्सेज, तो भैया यहाँ पे UG के अंदर MBBS है, डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर यहाँ पे 4 कोर्सेज अवेलेबल है। तो यार देखो ये वीडियो है ना स्पेसिफिक है MBBS के लिए। तो नाउ इफ यू वॉन्ट कि भाई डिप्लोमा पे भी वीडियो बनाई जाए तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन द डिप्लोमा कोर्सेज एज वेल। तो अगर नीड है तो बताइए यार, कर देंगे। एंड PG कोर्सेज में यहाँ पे 18 कोर्सेज अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑफिशियली है नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, तो यार भागलपुर बेसिकली बिहार के अंदर है और इस मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है ना वो 3.9 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो कनेक्टिविटी वाइज तो ये मेडिकल कॉलेज काफी सही जगह पे है। बाकी आपको इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब बात कर लेते हैं हम MBBS कोर्स के बारे में। तो यार देखो नीट UG कंडक्ट करता है बेसिकली एडमिशंस को MBBS के अंदर एंड यहाँ पे तुम्हारे लिए सीट्स हैं 120। आई विश कि एक सीट तुम्हारे लिए भी हो एंड इन सीट्स के ऊपर जो फीस स्ट्रक्चर वो 15,900 रुपये है पर ईयर की। तो फी बहुत ही कम है और तुम फ्री में ही लगभग पढ़ने वाले हो, फ्री में डॉक्टर बन जाओगे यार। चलो अब बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कट ऑफ के बारे में। Guys, I have some important information for you. तो अगर आप जानना चाहते कि आप जिस भी स्टेट से आते हो उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की क्या रैंक है, कितने नंबर पे आपको वो मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, ओवरऑल इंडिया में स्टेट में उस मेडिकल कॉलेज की क्या रैंक है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स है और मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 9 रुपये में, जो कि है एक लेज के पैकेट से भी कम कुछ। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 9 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आ जाइए, सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूं। भैया ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स है, ठीक है, ये 2022 की स्कोर्स है, ये 2023 की स्कोर्स है एंड लेफ्ट साइड के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज लिस्टेड है। तो देखो जैसे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो भैया 635 नंबर गए थे 2022 के अंदर, ठीक है, 23 में इंक्रीज आता है 641 हो जाते हैं। डेफिनेटली यार बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर भी इंक्रीज होंगे ही ना, कट ऑफ स्कोर भी इंक्रीज होना ही है। उसके बाद जैसे देखो अगर हम बात करें OBC की, तो 630 नंबर गए थे 2022 के अंदर एंड 2023 के अंदर 640 हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे अगर ST को देखोगे तो 484 थे 2022 में और 515 हो जाते हैं 2023 में। इस तरह आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से समझिए कि तुम्हें एडमिशन यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट राउंड के स्कोर से, तो जो बाद वाले राउंड्स होते हैं थोड़ा सा ड्रॉप आता है 2-4 नंबर का, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है अगर आपके इतने नंबर हैं तो आसपास के। सो अब बात कर लेते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट की। तो देखो यार व्हाट्सएप पे भी अच्छा ज्ञान का एक चैनल अवेलेबल है एंड वी आर ट्राइंग टू नो बिल्ड अ कम्युनिटी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी होगी वो एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक दिया मिलेगा उसको क्लिक करना है, 1-2 क्लिक और करने और यू विल बी ऑन द चैनल। तो आपसे कुछ भी मिस होने वाला नहीं है और तुम अपनी कम्युनिटी के साथ रहोगे। बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यार ये बेसिकली जो बिल्डिंग है ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्योंकि वैसे तो बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है बट ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और काफी अच्छी लग रही है, देखने में काफी अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली। देखो ये इस बिल्डिंग के ही फोटोज है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे काफी ठीक लगा ये मेडिकल कॉलेज, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो यार देखो ऑल इंडिया में इस मेडिकल कॉलेज को 100
170 रैंक मिलती है। स्टेट रैंक का अभी हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो वी कैन कमेंट ऑन दिस। तो यार अगेन, जैसा हमने पिछली वीडियोस में अब जो अपनी पहली सीरीज की पहली वीडियो थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था राइट, कि बिहार के मेडिकल कॉलेजेस की रैंक इतनी पीछे क्यों है। अगेन यहाँ पे भी इस मेडिकल कॉलेज की भी 170 है। तो यार ऐसा क्या है कि इतने पुराने मेडिकल कॉलेजेस है बट फिर भी उनका एजुकेशन लेवल इंप्रूव नहीं हो पा रहा है? तो अगर आप बिहार से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है भाई, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं कॉलेजेस सही से, ठीक है? तो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंड स्टाइफंड के बारे में। तो भैया बॉन्ड बिहार के अंदर होता नहीं है कोई भी, एंड स्टाइफंड के रूप में तुम्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं इंटर्नशिप के टाइम पे। तुम इन 15,000 रुपए का क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। अगर लगता है कि वीडियो ने हेल्प किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।